हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 6। मेरे लास्ट पार्ट 5 में आपने देखा था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उसके डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, तो आज थोड़ा सा पहले उसके दो एप्लीकेशंस देखेंगे, दैट इज़ पियर ऑफ डेथ एंड व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे, आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखेंगे डिटेल में यही वीडियो में। अब मेरे लास्ट जो वीडियोज़ हैं उसकी अगर आप उसको देखना चाहे तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में स्पीयर ऑफ डेथ पहले। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये स्पीयर ऑफ डेथ यानी मृत्यु गोल, इसको क्या कहते हैं, मृत्यु गोल। और ये आपने कभी गए होंगे सर्कस में तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही रोमांचकारी गेम रहता है ये स्पीयर ऑफ डेथ का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये जो स्पीयर है इस पे इसके अंदर राइडर जो है मोटरसाइकिल पे सवार रहता है और वो राउंड्स ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनाता है। ठीक है, तो वो आपने देखा ही होगा कैसे करता है, तो उसको ही थोड़ा सा देखेंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर ऑफ डेथ, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये बहुत बहुत ही पॉपुलर शो है सर्कस का। और ये जो है पहले क्या, दिस इज इन दिस इनसाइड दिस होलो स्पीयर, फर्स्टली द राइडर मेक्स अ सम हॉरिजेंटल सर्कल। राइडर क्या करता है कि कुछ पहले पहले स्टार्ट करने से पहले एकदम से वो ऊपर से चला नहीं जाता, तो पहले वो क्या करेगा, अंदर ऐसे हॉरिजेंटल सर्कल से ये स्पीड लेगा। ठीक है, पहले बहुत बार ऐसा ऐसा हॉरिजेंटल सर्कल से वो घूमेगा, देन इट परफॉर्म्स द रिवॉल्यूशन, उसके बाद में ये वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो है ये फिर आपने ये देखा होगा, तो ये जो है ये जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट करता है तो ये सेम ही रिवॉल्यूशंस लेता है, जैसे कि आपने देखा है मैं पहले कि स्ट्रिंग को अगर आपने एक मास टाइट कर लिया, तो यानी कुछ भी अगर स्टोन लो, कुछ भी अगर इसको अगर टाइट किया और अगर उसको उसको आपने रिवॉल्व किया, वर्ल किया, तो जो जैसा ये स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन लेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेगा, वैसे ही सेम यहाँ पे सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पे भी जो ये है क्या, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड ड्यू टू इट्स वेट mg, उसका जो वेट है वो कैसा एक्ट होते जा रहा है, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। बट यहाँ पे टेंशन ना होते हुए, जैसे इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्टोन, वी कंसिडर दैट इट्स वेट एट एवरी पॉइंट, इट्स वेट mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, कौन से भी पॉइंट पे वेट कैसा रहता है, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड देर इज़ अ टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे है तो टेंशन ऐसे देखा था, ये सब टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ऐसा रहता है, बट इन दिस केस देर इज़ नो टेंशन ऑन द राइडर, बट देर इज़ सम नॉर्मल रिएक्शन रहती है, नॉर्मल रिएक्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। ठीक है, तो वो जो फोर्स रहेगा राइडर पे वो ड्यू टू दिस नॉर्मल रिएक्शन एन एंड इट्स वेट mg, इट्स वेट mg, ये दोनों की वजह से ये फोर्स रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें बाकी सभी थेरी पूरी वैसे ही है। तो जैसे ये जो राइडर है तो इसके ऊपर कौन से दो फोर्स एक्ट होने वाले हैं, फर्स्ट फोर्स इज ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एन एंड सेकंड फोर्स इज इट्स वेट mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
समझ में आया। स्पीरो ऑफ डेथ ये बहुत ही पॉपुलर शो है सर्कस का, और इसमें क्या करते हैं और आप आंखों के सामने लाइए, आपने देखा होगा राइडर ये सर्कुलर मोशन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इट मेक्स सम हॉरिजेंटल सर्कल्स। अब ये जब हॉरिजेंटल सर्कल करता है ना, तो व्हेन इट ही मेक्स हॉरिजेंटल सर्कल देन द लीनियर स्पीड जो रहती है, क्योंकि ये ऐसा ऐसा हॉरिजेंटल सर्कल करेगा तब उसकी लीनियर स्पीड कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इट्स लीनियर स्पीड इज मोर व्हेन इट मेक्स, व्हेन कब ज़्यादा रहेगी, व्हेन इट मेक्स हॉरिजेंटल सर्कल। हॉरिजेंटल सर्कल जब लेगा तब ये क्या होगा, इसकी लीनियर स्पीड कैसी रहेगी, मोर रहेगी। ठीक है, तो दो फोर्सेस एक्ट ऑन द राइडर, फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल रिएक्शन एन एंड सेकंड वन इज़ इट्स वेट एम जे एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे टेंशन टी नहीं है जैसे स्ट्रिंग में था, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन लेना है। ठीक है, तो ये दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पीयर ऑफ डेथ, समझ में आया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इसका, ये फर्स्ट एग्जांपल था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि अगर एक आधा व्हीकल है तो अगर वो एक आधे ब्रिज से, और ब्रिज कैसा है, ऐसा कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, तो यानी आपने ऐसे देख रहे हो एक ये व्हीकल आपको दिखाई दे रही है और ये क्या है, सपोज़ दिस इज़ अ कॉन्वेक्स ब्रिज। अब कॉन्वेक्स क्यों बोला है, क्योंकि ऐसा पार्ट है ना, तो इट इज़ नोन एज कॉन्वेक्स, अगर ऐसा रहता है तो कॉनकेव। ठीक है, तो दिस इज़ कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ब्रिज एंड व्हीकल इज़ पास ओवर दिस ब्रिज, दिखा रहा है आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो यही टॉप ये फिर क्या होता है, तो इसका इसके ऊपर भी कौन से फोर्स रहते हैं वो भी अभी देखेंगे। तो ये व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, ये व्हीकल जा रही है कॉन्वेक्स ब्रिज पे, तो क्या होगा, अगेन इट्स वेट एम जी कैसा एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हियर देयर इज़ नो टेंशन बट हियर देयर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एंड बोथ आर अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन, और कहाँ पे है, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, तो ये यहाँ तक इतना समझ में आया, सी इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ मोशन, आर इज़ रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखो अब इसको थोड़ा सा डिटेल, इसके जो फोर्सेस है वो लिखेंगे, क्या फोर्सेस है, तो देख ये देर आर टू फोर्सेस आपको डायग्राम में तो दिखाई दे रहा है, देर आर टू फोर्सेस, कौन से फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, फर्स्ट वन इज़ फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, इट्स वेट एम जी कैसा एक्ट हो रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और सेकेंड फोर्स इज ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन एन, और ये कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन एन ये अलोंग द वर्टिकल लाइन, ये आपको वर्टिकल लाइन यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऑल अलोंग द वर्टिकल लाइन, और कहाँ पे है, टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, टॉप मोस्ट पोजिशन। ओके, ठीक है, तो ये जो दोनों का ही, दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। ओके, तो अगेन यानी ये अब आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है एम जी कैसा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों का रिजल्टन, दोनों का रिजल्टन क्या दे रहा है, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, और ये जो है, और फोर्स कहाँ पे दे रहा है, अपर मोस्ट पोजिशन पे दे रहा है। ठीक है, तो दोनों का फोर्स लिखेंगे एम जी, और दोनों कैसे है, एन और एम जी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो वी राइट माइनस एन इज इक्वल टू
सेंट्रिपेटल फोर्स एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ओके, ये रिजल्टेंट लिखा, तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर वी को इंक्रीज कर लिया है, वी इफ वी इंक्रीज वी देन एन, एन कैसा होगा, एन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखो आपने, आपको डायग्राम में ही दिख रहा है कि अगर वी ये साइड में है और एन, एन कैसा है, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि इफ अगर आपने वी को इंक्रीज कर दिया, वी इंक्रीजेस देन दिस नॉर्मल रिएक्शन एन डिक्रीजेस, एन क्या होगा, डिक्रीज होगा, एन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन क्यों रहती है कि ये इंडिकेट करती है कि देर इज़ अ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अगर है तो यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। अगर इफ़ देर इज़ अ कॉन्टैक्ट देन इट इंडिकेट्स द देर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, और वी से दैट कि इफ़ देर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन देन वी से दैट द व्हीकल इज़ इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये पोजीशन कौन सी है, अपर मोस्ट पोजीशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने देखा कि चारों पॉइंट्स है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑन अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या स्पीड रहती है, तो वी इज इक्वल टू, और स्पीड कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। तो वही स्पीड इनकी भी रहेगी, क्या है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, तो इसको बस इतना ही याद रखना है, और क्योंकि ये एग्जांपल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो सिर्फ आपको बाकी सेम, बाकी सभी सेम रहेगा। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है ये व्हीकल, तो इसलिए तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, या आपने देखा है ये सिचुएशन की, व्हाट इज़ द स्पीड एट द टॉप मोस्ट व्हेन द स्टोन और ऑब्जेक्ट इज़ एट टॉप मोस्ट पोजिशन, तो वही स्पीड रहेगी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ओके, ये डिराइव करा है, सब हो गया है, सिर्फ इसका एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना कि अगर व्हीकल कहाँ पे है, कॉन्वेक्स ब्रिज पे है, टॉप पोजीशन पे है, तो देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, इट्स वेट एम जे एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन एन, ये नॉर्मल रिएक्शन एन कहाँ पे है, इट इज़ ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, तो ये जो है उसका रिजल्टेंट क्या प्रोवाइड करेगा, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। ठीक है, तो नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो फिर क्या इक्वेशन आएगा, वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सो एम जी माइनस एन, दो अपोजिट साइड में है, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन दिस लीनियर स्पीड, वी क्या है, लीनियर स्पीड है, अगर लीनियर स्पीड इंक्रीज की तो एन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वी इंक्रीजेस एन डिक्रीजेस। ठीक है, ये इसको याद रखना है, वी अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन कम कम होते जाएगी। ठीक है, वी इंक्रीजेस देन एन डिक्रीजेस, एंड वी नो दैट एट टॉप मोस्ट पोजिशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड, टॉप मोस्ट पोजिशन पे स्पीड की वैल्यू कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है, और व्हाट इज़ दैट वैल्यू, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है ना, समझ में आया सिर्फ ये बच्चों। फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो ये एग्जांपल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, थोड़ा सा लेंदी एग्जांपल है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मैं ये ले रही हूँ, और थोड़ा सा आपको भी आइडिया आ जाएगी कि कैसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको ये न्यूमेरिकल कौन से लेवल तक पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर पहले के एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हुए होंगे तो ये और अच्छे से आपको ये जो न्यूमेरिकल दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है, वो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो मैं ये पढ़ती हूँ क्या है। तो अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस
inextensible flexible string and whirled along vertical circle. Speed of stone is 8 meter per second. When the centripetal force is exactly equal to the force due to the tension, calculate minimum and maximum kinetic energies of the stone during the entire circle. Let theta is equal to 0 be the angular position of the string when the stone is at the lowermost position. Okay, determine the angular position of the string when the force due to the tension is numerically equal to the weight of the stone. Use g is equal to 10 meter per second square and length of the string is 1.8 meter. ठीक है, ये एग्जांपल है. तो इसके लिए जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन देखा था स्पीड का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके बेस से ये एग्जांपल है. अगर आपके उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो यहाँ पे भी आपको ये एग्जांपल है, ये इजीली समझ में आएगा. ठीक है, पहले तो गिवन लिखते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर से मैं ये पढ़ के इसके इसमें जो गिवन दिया है वो लिखेंगे, क्या है गिवन ये एग्जांपल में, तो वो लिखेंगे. देखो, अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. क्या किया है, एक स्टोन, टाइनी छोटा सा स्टोन लिया है, मास ऑफ द स्टोन m इज इक्वल टू 20 ग्राम. ठीक है, ये m इज इक्वल टू 20 ग्राम मास का स्टोन कहा, किससे टाइड किया है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. एंड क्या किया है, फिर वर्ल्ड अलोंग वर्टिकल सर्कल. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द स्टोन क्या है, स्पीड v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ द स्टोन. व्हेन द सेंट्रीपेटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द टेंशन. अब ये हिंट दी है आपको, सेंट्रीपेटल फोर्स, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द टेंशन. ये हिंट दी है, यानी कहाँ पे है, ये आपको याद आना चाहिए. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये कंडीशन कहाँ आती है, जरा आप सोचो उसको, कि ये कंडीशन कौन से पॉइंट पे आती है. एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू टी, ये पोजीशन कब आती है, तो ये पोजीशन व्हेन द पार्टिकल इज एट सी एंड डी पोजीशन पे अगर है तो ये कंडीशन आती है. यानी आपको अभी समझ में आया होगा कि ये जो स्टोन है वो कहाँ पे है. तो एक तो सी, और आपको मालूम है कि जो वी डी यानी वेलोसिटी एट सी, सॉरी वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट डी, यानी ये स्टोन कहाँ पे है, ये हिंट है. इसलिए आप पहले जो प्रॉब्लम है फटाफट मत रीड करा करो, धीरे धीरे उसमें जो कुछ हिंट दी है या ऐसा सॉल्व करना गिवन दिया है उसको डिटेल पहले लिखना है. इसीलिए लिखना है क्योंकि फिर ये समझ में आता है. अगर ये आप किसी ने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो सब इक्वेशन, सब न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये समझ में आया, सेंट्रीपेटल फोर्स कैसा है, इट इज़ इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द टेंशन. ओके, तो और बाद में क्या दिया, देखो, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल. क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इट इज़ मिनिमम भी कैलकुलेट करना है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो ये करना है, वे कब करना है, ये ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल. काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, तो ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, देन क्या दिया है, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग. तो अब क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 0, क्या है थीटा इज इक्वल टू 0, इज एंगुलर पोजिशन. थीटा इज इक्वल टू 0 इज द एंगुलर पोजिशन. ठीक है,
ये दिया है। उसके बाद में क्या दिया है, व्हेन द स्टोन इज़ एट द लोअर मोस्ट पोजिशन, स्टोन कहाँ पे है ये पोजिशन, लोअर मोस्ट पोजिशन पे थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होती है, बराबर है, थीटा की वैल्यू ज़ीरो रहेगा क्योंकि वो नीचे ही है ना, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी रहेगी, यहाँ पे ये पोजिशन पे ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। तो वे डिटरमाइन द एंगुलर पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग, अब क्या डिटरमाइन करना है कि एंगुलर पोजिशन को ही डिटरमाइन करना है, बट कब डिटरमाइन एंगुलर पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग, व्हेन द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, जब ये फोर्स है, फोर्स कब ये करना है, फोर्स ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द, न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, ठीक है, फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये है तब का थीटा आपको डिटरमाइन करना है, और दिया क्या है, और यूज़ जी इज़ इक्वल टू, जी की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, तो इट इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यही अपना आर ऑफ रेडियो आर है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये भी हुआ है, आपको ये याद आ रहा है ना सब, अगर ये हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ज़रूर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वो एक्सप्रेशन फिर से देखो, यानी आपके ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो कितनी दिए है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1.8 मीटर, ओके, ठीक है, ये अपना गिवन है, ठीक है। अभी क्या करना है, तो ये देखेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है, तो अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो दिया है मेन कंडीशन यही है, ये सबको आना चाहिए, ये यही मेन कंडीशन है कि अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज द सेंट्रिपेटल फोर्स, फोर्स जो है टेंशन का, तो क्योंकि ये पोजीशन पे क्या होता है, आपने देखा है कि वेट mg कहाँ है, यहाँ पे वेट mg है, ठीक है, और जो टेंशन कहाँ पे है, तो टेंशन इज लाइक दिस, दिस इज टेंशन, यह सी और डी पोजीशन पे, यहाँ पे भी टेंशन ऐसा, ये टी रहेगा और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, यानी आपको ऐसी सिचुएशन मिल रही है, ठीक है, तो ये टी और ये mg, सो ये जो यानी 90 डिग्री में है दोनों भी, तो जो प्रोवाइड ये किसकी तरफ सेंट्रिपेटल फोर्स कैसा है, टू अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, तो सिर्फ ये जो टी है वही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मैंने फिर से आपको समझा के दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है इसमें हिंट जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको कैसा सॉल्व करते हैं, तो ये जो हिंट है आपकी कि स्ट्रिंग इज़, व्हेन द स्ट्रिंग इज़ हॉरिजॉन्टल देन द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज़ द सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन की वजह से ही, अब टेंशन ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपेटल फोर्स, ठीक है, फोर्स कैसा रहेगा, टी इज इक्वल टू mv² / r, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग वर्टिकल है तो वो कैसा रहेगा, अब देखो यहाँ पे मैं फिर से इसको ड्रॉ करती हूँ कि अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो कौन से पोजीशन पे है, सी एंड डी पोजीशन, अगर स्ट्रिंग वर्टिकल में है तो कौन से पोजीशन में रहेगी, तो एक तो ए में रहेगी या बी में रहेगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम को फाइंड करना है, तो इट इज़ एट द अपर मोस्ट पोजिशन
और इट इज़ एट द लोअर मोस्ट पोजिशन। तो कहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी रहती है, वो कहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम रहती है, और काइनेटिक एनर्जी की ये दोनों पोजिशन पे अभी इक्वेशन आपको निकालना है। तो ये अगर आपने अपर मोस्ट पोजिशन को देखा तो इन दिस केस ये ए के साइड में काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो मिनिमम रहती है, ठीक है, क्योंकि ये झट से नीचे यहाँ तक पहुँचने के बाद में अगर फट से नीचे आ जाता है स्टोन अगर घुमाते घुमाते, ठीक है। तो हियर इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है, ये केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, ठीक है। और एट द लोएस्ट पोजिशन, लोएस्ट पोजिशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो ऐसा यहाँ पे एकदम ज़ीरो नहीं लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, मिनिमम रहती है, ठीक है। तो और ये पोजीशन पे आपने देखा है, ये पोजीशन पे अगर आपको कंसिडर करना है तो ये पोजीशन पे क्या रहती है, इट्स वेट एम जी कैसा रहता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो थीटा है दे इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। आप पीछे की आपकी बुक की डायग्राम देखो, वहाँ पे अल्फ़ा लिया है तो ठीक है, ओके वो भी चलेगा। तो ये जो यहाँ पे मैं थीटा लेती हूँ तो इट इज़ ये इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, यहाँ पे रहता है एम जी साइन थीटा और यहाँ पे रहता है एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या, ये बाद में देखेंगे, पर पहले ये समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लोअर मोस्ट पोजीशन पे रहती है, ठीक है। तो लॉ अगर ये एक समय आपको ये एक मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि व्हेन द स्टोन इज व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल देन द एनर्जी एट एवरी पोजिशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कोई भी पोजिशन पे स्टोन हो, ऑब्जेक्ट हो, पार्टिकल हो, तो ये जो एनर्जी है एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज़ वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या अप्लीकेबल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मीन्स क्या कि एनर्जी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, दैट इज एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। ये तो बुक में आपका डायरेक्ट ही सॉल्व करके दिया है, ये एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये कैसा आया है इसके लिए मैं ये डिटेल उसकी स्टेप ले रही हूँ। आप भी इसको मेरे साथ साथ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो कैसा सॉल्व किया है, तो देखो अब जो टोटल एनर्जी कैसी है, टोटल एनर्जी टी ई लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट ए पोजिशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी दैट इज़ टी ई एट बी पोजिशन, इट इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी पोजिशन, इट इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी पोजिशन। यानी हर एक पोजिशन में टोटल एनर्जी सेम ही रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। सो अब टोटल एनर्जी एट ए पोजिशन दैट इज़ इट इज़ काइनेटिक एनर्जी एट ए पोजिशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजिशन, इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पोजिशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पोजिशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी पोजिशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी पोजिशन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट डी पोजिशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी पोजिशन, ऐसी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे कैसी दिख रही है आपको डायग्राम में मैंने लिख के दिया है, मैक्सिमम दिख रही है। तो यहाँ पे मैं के ई ए न लिखते हुए यहाँ पे मैं लिखूँगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है, मिनिमम, मिनिमम यानी कितनी रहती है, नीचे ही है, लोअर मोस्ट पोजिशन सॉरी अपर मोस्ट पोजिशन पे है,
ए का दिख रहे हैं ना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ए पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट ए पोजीशन एंड मिनिमम, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट बी पोजीशन एंड मिनिमम एट ए पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये मिनिमम लिखना चाहिए यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट ए पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट ए पोजीशन। यहाँ पे गलती से मिनिमम लिखा, मैक्सिमम लिखा था, इसलिए ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है, तो ये सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन है, यहाँ से आर इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से आर और यहाँ तक अगर टॉप मोस्ट पोजिशन को देखा तो ये भी आर है, डैट इज़ हाइट कितनी हो गई, ट्वाइस आर। और वॉट इज़ द फॉर्मूला फॉर पी ई, पोटेंशियल एनर्जी इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला पी ई इज़ इक्वल टू एम जी एच, यहाँ पर लिखती हूँ पी ई इज़ इक्वल टू एम जी एच, हाइट है तो यहाँ पे हाइट क्या है, टू आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे कैसी है, मिनिमम दिख रही है आपको मिनिमम, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम, इट इज़ टू एम जी आर, एम जी एच है तो एम जी इंटू टू आर, टू आर आएगी, हाइट देखो ये टू आर, तो मैं डायरेक्टली मैंने लिखा है टू एम जी आर। ठीक है, तो ये हो गया, अब ये कौन सी पोजीशन है, ए पोजीशन पे। अब सी और डी पोजीशन में क्या है, तो सी सी पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसको सिंपली लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, और हाइट कितनी है आर, अगर सी पोजीशन, बी पोजीशन लिखनी बाकी है, बी पोजीशन पे क्या रहता है, यहाँ पे बी पोजीशन लिखना चाहिए था, पहले मैं बी पोजीशन लिखती हूँ, ओके हाँ, यहाँ पे बी पोजीशन, बी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एट बी पोजीशन पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट बी पोजीशन, तो बी पोजीशन में आपको दिख रही है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से उसको उठना है तो ऊपर जाना है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, तो यहाँ पे के ई बी न लिखते हुए क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ मिनिमम है, इट इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट ही नहीं है तो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो उसके बाद में के ई प्लस के ई एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी इट इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू की साइन चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एट सी कैसा रहेगा, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो सिंपली क्या रहेगी, एम जी आर, यहाँ पे अगर रहते हैं तो सिर्फ इतनी रेडियस आती है ना, इतनी हाइट रहेगी, और यहाँ पे भी रहती है तो आर ही रहेगी। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी आर, और उसके बाद में इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी, इट इज़ इक्वल टू अगेन हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी आर, यहाँ तक समझ में आया, तो कोई भी दो आप ले सकते हो, जैसे टी ई ए इज इक्वल टू टी ई सी भी ले सकते हो, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, क्योंकि कहीं पे भी अगर पार्टिकल रहेगा तो उसकी एनर्जी इज़ कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डी भी ले सकते हो, तो कोई भी दो टर्म इक्वल आप दिखा सकते हो क्योंकि एनर्जी इज़ कांस्टेंट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम प्लस ट्वाइस एम जी आर, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम सी को इक्वेट दिखाते हैं प्लस एम जी आर, ओके ये ऐसा लिखा है, दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन मैक्सिमम का लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस ज़ीरो है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू हाफ डी से इक्वेट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी आर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये समझ में आया क्या, क्या क्या किया है, तो आप इसको लिख लो और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर उतारो।
ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, यानी ये जो है डिटेल जो स्टेप है ये आपके बुक में आपको मिलेगी नहीं डायरेक्टली, ये दो इक्वेशंस आए हैं, तो कैसे आए समझ में आए ना, यही इम्पोर्टेंट है, एकदम से कैसे आ गए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके दिया है, ठीक है, तो समझ में आया ना यहाँ तक। अब अपना ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम, फिर से मैं यहाँ पे लिखती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी आर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो एम की वैल्यू है आपके पास में देखो 2 ग्राम, ये वैल्यू है 2 ग्राम यानी 0.02 kg, ठीक है। और वी की वैल्यू है, इट इज़ वी की वैल्यू कितनी दी है देखो, 8 दी है, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ओके। प्लस एम जी आर, एम अगेन 0.02 इंटू जी इज 10 और आर इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज़ रेडियस, इट इज़ इक्वल टू 1.8 d है, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 0.64 प्लस 0. ये अगर सॉल्व करते हो तो वी गेट 0.36, इट इज़ इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, इट इज़ इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। अब वैसे ही ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई है, तो इसके ऊपर से अब ये आपको वी मैक्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास में है काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1 जूल, ये आपको मिला है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी मैक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये इसको शिफ्ट कर दिया तो ये दोनों में देखो अपॉन एम, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू 1 1 निकाली है, ठीक है, अपॉन 0.02, इट इज़ इक्वल टू 100, वी स्क्वेयर की वैल्यू 100 हो गई है, सो वी मैक्स की वैल्यू 100 है, तो वी मैक्स स्क्वेयर की वैल्यू 100 है, तो वी मैक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड, ये न्यू वैल्यू मिली है आपको स्पीड की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कैसे निकाला, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू भी आपको निकालनी है, तो इसके लिए आपके पास में अगेन ये है, इसका इसको भी आप लिख लो या आपका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू आपको बताती हूँ, ठीक है, ओके। ले लिया स्क्रीनशॉट या लिख लिया, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम उसका एक्सप्रेशन क्या है, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम प्लस 2 mg r, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी आर, अगेन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम सॉरी के ई मिनिमम की वैल्यू लिखेंगे, के ई मिनिमम इट इज़ इक्वल टू हाफ, एम की वैल्यू है 0.02 kg किलोग्राम में, वी स्क्वायर की वैल्यू 8 8 v निकाली है, वी दी है 8, प्लस एम जी आर, ये क्या करेंगे, एम जी आर ये जो ट्वाइस एम जी आर है माइनस ट्वाइस एम जी आर, दैट इज़ हियर वी गेट, ये इसका निकाला था कैलकुलेशन 0.64 आता है, प्लस ये प्लस नहीं यहाँ पे आएगा माइनस माइनस एम जी आर, तो एम जी आर का कैलकुलेशन क्या है, सेम वही 0.64 माइनस, अगर इसको एम जी आर का कैलकुलेशन करते हो तो इट इज़ इक्वल टू 0.36,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आता है फिर, 0.64, 0.64 माइनस 0.36, दिस इज 8, 0.28, 0.28 जूल, ये है काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आया क्या ये कैसे किया है? तो अब उसके बाद में लोअर मोस्ट पोजीशन पे थीटा की वैल्यू आपको 0 दी है, तो इसके ऊपर से अब इन टर्म्स ऑफ थीटा वी की वैल्यू निकालेंगे। वी मैक्स की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड अभी आपने देखा था, तो वही अभी उसके ऊपर से फिर से इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर दिया था कि लोअर मोस्ट पोजिशन पे आपने देखा है कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो अगर आजू बाजू की पोजीशन में इट कैन बी रिजोल्व इन टू टू कंपोनेंट साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो व्हाट इज़ द वैल्यू, तो वो निकालेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, फिर अब उसकी वैल्यू निकालेंगे कि एट लोअर मोस्ट पोजीशन ये गिवन है, एट लोअर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन वी गेट गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 0, और मालूम भी है आपको कि लोअर मोस्ट पोजिशन पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ इक्वल टू 0, बट एट दिस पोजिशन, ये पोजिशन पे है, तो अभी देखा कि इट कैन बी रिजोल्व इन टू टू कंपोनेंट, एक है एम जी साइन थीटा और दूसरा है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है आपका। ठीक है, तो फिर कैसा रहेगा, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो ये कब रहेगा, एट एनी एंगल थीटा, एंगल थीटा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कैसा आया, क्योंकि नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स ये एम जी के कैन बी रिजोल्व इन टू टू कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, टी कैसा रहेगा, इस केस में टी यहाँ पे है, तो टी माइनस ये नीचे की साइड में है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एम जी को कॉमन निकालते हैं, एम जी और ये टी की वैल्यू क्या है, एक एक टी की वैल्यू लोअर मोस्ट पोजिशन पे टी इज इक्वल टू एम जी भी है, क्योंकि ये सी पोजिशन पे है ना, ये बीच की पोजिशन है और सी कहाँ पे है, ये है सी आपका। ठीक है, तो सी भी कैसा रहता है, सी की सी साइड पे ये टी ऐसा, टी और एम जी कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ओनली नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन टी, तो ये बीच वाली पोजीशन है, ये जो थीटा वाली पोजीशन बीच वाली पोजीशन है, और सी के टाइम क्या रहेगा, सी फॉर सी, क्योंकि ये अगर पार्टिकल ऐसा जा रहा है नीचे से, तो सी को भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, तो एम जी इज इक्वल टू टी आएगा। ठीक है, अब दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वी गेट टी एम जी इज इक्वल टू टी है, तो वी गेट, और यहाँ पे टी माइनस एम जी है, तो अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वी गेट टी माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस ये यहाँ पे आएगा एम ये माइनस टी, टी इज इक्वल टू एम जी है ना, तो एम जी की वैल्यू टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पहले, ऐसा करो, बहुत लेंदी प्रॉब्लम है, अगर नहीं लेते थे तो आपको लगता था कि लिया नहीं, इसलिए इसको, और आपके कंसेप्ट भी इससे क्लियर हो रहा है, टी एम जी इज इक्वल टू टी डालेंगे तो एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, टी की वैल्यू एम जी अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद में। ठीक है, तो एम कॉमन निकाला, जी माइनस जी कॉस थीटा, जी को भी कॉमन कर सकते थे, इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम एम कैंसल, अब जी कॉमन करके 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिला आपको, वी स्क्वेयर अपॉन आर, सो वी की वैल्यू क्या मिलती है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ, सो दिस एम्प्लाई
वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये इन टर्म्स ऑफ वी निकाला है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर पोजिशन थीटा है, और तो अब आपको मिला है ये जो लेंथ है वो क्या है, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, जैसे रेडियस आर ले रहे हैं ना, तो अब क्या लेना चाहिए, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा लेना चाहिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, यानी ऐसा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम वर्टिकल पोजिशन पे ही है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या, अब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पे ये सभी सब्स्टिट्यूट करना है आपको, यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, या आप इसको लिख भी सकते हो मेरे साथ साथ, मैं ये इरेज कर रही हूँ सब, ओके। हाँ, तो अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है, के ई मैक्स प्लस पी ई, ये आपको मालूम है कैसा लिया था, इट इज़ इक्वल टू के ई प्लस पी ई लिया था, बराबर है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पे एम जी, आर की जगह क्या लिखना है, आर कॉस थीटा लेना है, अभी आपने निकाला ना, तो रेडियस अभी आर ना लेते हुए क्या लेना है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू फिर से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, और ये सिंपल वाला है एम जी आर, तो यहाँ पे आएगा हाफ एम, और ये आएगा टेन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो है ये यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू एम जी आर, और ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो, माइनस एम जी आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब जो आपका इक्वेशन मिला था, वी की वैल्यू मिली थी, यहाँ पे लिखती हूँ, वी की वैल्यू मिली थी आपकी अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन को सपोज करो स्टार, ये स्टार इक्वेशन है, इसको यूज़ अगर आपने किया तो क्या होगा, ये वी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है, तो वी गेट हाफ एम इंटू हंड्रेड, टेन की वैल्यू हंड्रेड, माइनस हाफ एम, वी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट करने हैं, आर जी वन माइनस कॉस थीटा, इट इज़ इक्वल टू एम जी, अब इसमें से ये जो लेफ्ट राइट साइड है उसमें से एम जी कॉमन निकालते हैं, वी गेट वन माइनस एम जी आर, पूरा कॉमन निकाल सकते हैं, तो आर माइनस आर कॉस थीटा यहाँ पे रहेगा सिर्फ, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अगर इसको सॉल्व करते हो तो वी गेट, अब ये कैसा है, टू वन जीरो टू फिफ्टी, ठीक है, तो वी गेट फिफ्टी, और ये यहाँ से एम अगर पहले कॉमन कर दो, पहले एम को कॉमन करेंगे, एम अगर कॉमन निकाला तो इनसाइड ब्रैकेट वी गेट 50 माइनस हाफ, ये एम और ये एम है तो कॉमन किया उसको, क्योंकि ये एम से कट हो रहा है वो साइड्स के, हाफ आर जी, इसको सॉल्व करना है वन माइनस कॉस थीटा, मैं फटाफट सॉल्व करती हूँ, बहुत टाइम जा रहा है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप भी मेरे साथ में इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू, अब क्या मिला है, आर अगर कॉमन निकाला वन माइनस कॉस थीटा, और ये एम जी, सॉरी ये एम जी बाकी रहा, एम जी आर चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो ये एम कट हो गया, ये एम से वी गेट 50, मैं अभी डायरेक्ट स्टेप लिखती हूँ, 50 और इज इक्वल टू, अब इसको शिफ्ट कर देंगे कट करने के बाद में, तो ये वी गेट आर जी वन माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ आर जी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, वी गेट 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाय 2 आएगा, यानी ये आएगा 3 बाय 2 आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू 1.8 इंटू 10
इंटू ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा, इसको आप सॉल्व करो प्लीज़ मेरे साथ में, यानी ये 50 इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इसको ऊपर वाले या इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ओके। तो इसके इसको अब सॉल्व करते हैं, इरेज करती हूँ थोड़ा सा स्पेस के लिए, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल था पूरा, 15-20 मिनट इसमें जा रहे हैं। समझ में आया ना, ये आपके इंटरनल कैलकुलेशन आपको ही करना है, बट थोड़ा सा मैं हेल्प के लिए आपको ये दे रही हूँ करके। तो समझ में आया, ये यहाँ तक आपको मिला है। उसके बाद में ये जो है वी गेट 50 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आता है 27 इंटू 1 माइनस cos थीटा, सो वी गेट 50 अपॉन 27 इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। दिस एम्प्लाय 50, ये भी 1 चला जाएगा यहाँ पे, 50 अपॉन 27 माइनस 1 इज़ इक्वल टू cos थीटा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट -23 अपॉन 27, ये माइनस कॉस थीटा था यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा की वैल्यू आती है, एक मिनट, अगर इसको सॉल्व करते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -0.8518, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर क्या है, 148 डिग्री 25 मिनट, ये वैल्यू आपको आती है। आप विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बहुत ही लेंदी न्यूमेरिकल था, बहुत ही इसमें पूरा हाफ अपना आधा घंटा चला गया है, ठीक है। तो समझ में आया ये कैसा करना है, ओके। तो इसके बाद में देखेंगे रोटेशनल मोशन अगले वीडियो में, तब तक के बाय, हैव अ नाइस डे।